राधे राधे दोस्तों, आज ये मेरी पहली वीडियो है YouTube पे। आशा करती हूँ कि आप सब लाइक करेंगे। चलो आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन की सेव। तो ये कटोरी है जो मैंने 3 भर के ली है बेसन, और ये आधी कटोरी ली है चावल का आटा। तो ये मैं इसमें मिक्स करने जा रही हूँ, और इसमें मैंने आधा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर डाला है, और मैं अब इसमें डाल रही हूँ लहसुन का पानी। 4-5 कली लहसुन की कूट के, और उसका सिर्फ हमें पानी डालना है। तो मैंने डाल दिया है पानी इसमें। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। मैं जा रही हूँ कुकिंग ऑयल मोइन के लिए, ये 2 कड़छी भरकर डाला है मैंने। अब हम इसको मिक्स करेंगे। और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक डो बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए और एक सॉफ्ट सा डो बनाते जाइए। तो देखो दोस्तों, डो बनके तैयार हो गया है। हमने ऐसे ही रखना है डो, ज़्यादा टाइट नहीं करना है। तो इसमें मैंने 1 चम्मच नमक भी डाला है भरकर। तो अब लेंगे हम सेव बनाने वाली मशीन, और इसको ऑयल से अच्छी तरह ग्रीस कर लीजिए। इसको मैंने अच्छे से ऑयल लगाकर ग्रीस कर दिया है। और इसको भी थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा लें। तो अब हम इसमें ये अपना तैयार डो डालेंगे। तो ये देखिए मशीन भर गई है, अब इसे बंद करते हैं। तो ये देखिए मैंने ये वाला डिज़ाइन इस पर सेट किया है। आप चाहें थोड़ी बड़ी थोड़ी छोटी, अपनी मर्जी से जैसे भी कर सकते हैं। तो अब हम बनाने जा रहे हैं बेसन की सेव। तो ये मैंने लोहे की कढ़ाई ली है, तो इसमें तेल गर्म हो गया है। आंच को थोड़ा स्लो रखें, और अब हम बनाने जा रहे हैं। देखिए एक बैच हमने डाल दिया है, और आप इसी तरह से बनाएं। अभी इसको टच नहीं करना है, थोड़ी देर बाद हम इसको पलटेंगे। आंच को थोड़ा सा तेज कर ले, मीडियम आंच कर ली है मैंने। अब हम इसको थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसे पलटेंगे। अब हम इसे पलटाते हैं। ये देखिए आंच को मैंने थोड़ा तेज कर दिया है। तो अब मैं इसे निकाल रही हूँ। देखिए बेसन की सेव बनके तैयार हो गई है। अब मैं दूसरा बैच निकालने जा रही हूँ।
आप इसी तरह से सारे बैच निकाल कर तैयार कर लीजिए। ये मैंने दूसरा बैच भी निकाल दिया है। ये देखिए सेव बनके तैयार हो चुकी हैं, इतनी सेव बन गई हैं हमारी, और ये बहुत ही कुरकुरी और खस्ता है। देखिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।